जब किसी को एसिडिटी की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। स्टमक अल्सर की समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। जब किसी के स्टमक में अल्सर की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि यह सिरप हार्ट बर्न की समस्या में उपयोग करने के लिए मरीज को दिया जाता है। चलिए आज हम आपको इस सिरप के यूज़ के बारे में बताएंगे। इस सिरप का उपयोग डॉक्टर मरीज को क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है, मरीज को कौन कौन सी बीमारी रहती है या कौन कौन सी बीमारियों में इस सिरप का उपयोग करने के लिए दिया जाता है, इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, यह सिरप पीना कैसे होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है, यानी अगर उसे बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहने के कारण, जैसे कि अगर उसके सीने में जलन की समस्या रहती है, हार्ट में जलन की समस्या, एक प्रकार हार्ट में दर्द सा महसूस होता है, गले में जलन की महसूस जैसा लगता है, या फिर हम कह सकते हैं उसे खट्टी मीठी डकार आता है, तो इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। जैसे कि एसिडिटी से अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसे गैस की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से लगातार बनता रहता है, तब उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग स्टमक अल्सर की समस्या में उपयोग किया जाता है। जब किसी के स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी स्टमक में जब अल्सर की समस्या हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए मरीज को दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग एसिडिटी के कारण अगर हार्ट में वर्ण की समस्या रहना, यानी हृदय में जब हार्ट के कारण जलन की समस्या रहती है, सीने में दर्द रहता है, या फिर हम कह सकते हैं सीने के नीचे गैस के कारण काफ़ी ज़्यादा जलन सा होता है, वहाँ पर दर्द सा बनने लगता है, तब इस समस्या को ठीक करने के लिए ये सिरप डॉक्टर के द्वारा मरीज को पीने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि गैस के कारण खट्टी मीठी डकार सा आना, पेट एकदम भरा भरा सा रहना, खाना खाने का दिल ना करता है, जब आपको गैस की समस्या रहती है तब आपको खट्टी मीठी डकार जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वोमिटिंग होगा, यानी पलटी होने का भी आपको शंका लगा रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा इस समस्या को ठीक करने के लिए ये सिरप पीने के लिए मरीज को दिया जाता है। जैसे कि जब किसी को गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, तब उसके पेट में बहुत ज्यादा जलन होता है, तो जलन की प्रॉब्लम को, जो पेट में जलन की समस्या रहती है, वो ये सिरप ठीक करता है। गैस के कारण कई बार क्या होता है कि पेट में सूजन की समस्या आ जाता है, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप मरीज को दिया जाता है। पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड के सिक्रेशन को ये ठीक करता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग जब किसी के पेट में छाला पड़ जाता है, जैसे कि अगर आपने कोई मेडिसिन खाया उसकी वजह से आपको एसिड यानी गैस बनने लगा, गैस बनने के कारण आपके पेट में छाले पड़ जाते हैं, तब इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। इस सिरप में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीटाकैन, इसके अलावा कई कई सिरप में और कंपोजिशन होता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं, ये सिरप पीना कैसे होता है। जैसे कि जो डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए बताया जाता है, ये सिरप 10 ml सुबह 10 ml शाम को ये सिरप पीने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि अगर किसी मरीज का या किसी व्यक्ति का कंडीशन है जो काफी ज्यादा खराब रहता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिन में 3 बार भी पीने के लिए बताया जाता है। आधे गिलास पानी में ये सिरप डाल के पीने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस सिरप का क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि ये सिरप अगर आप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपको एडिटेशन सा महसूस हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको वोमिटिंग के जैसा महसूस हो सकता है, इसके अलावा और भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। ये सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है, डॉक्टर के द्वारा ये सिरप काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, फिर उसके बाद में कोई इंजेक्शन कोई मेडिसिन कोई सिरप लें। कभी भी आप अपनी मर्जी से कोई इंजेक्शन कोई मेडिसिन कोई दवा उपयोग ना करें।